तो क्या ईडी बिहार की तरफ कूच करने वाली है? सोशल मीडिया पर यह सवाल खूब तैर रहा है। क्या यह सच नहीं है कि आज की राजनीति का सबसे बड़ा नेता ईडी को कहा जा रहा है? अब सब सवाल कर रहे हैं कि ईडी के अधिकारी कब पटना कूच करते हैं और अपना काम शुरू करते हैं, कब जेडीयू और आरजेडी के विधायकों के यहां पर छापे डलते हैं। आरोप लगते रहे हैं कि अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईडी, सीबीआई और आईटी को लगाकर कहीं भी सरकार गिरा सकते हैं, बीजेपी की सरकार बना सकते हैं। अब इस दौर में इतनी ताकतवर बीजेपी को कोई नीतीश अपनी ही सरकार से उसे कैसे बाहर निकाल दे? क्या बात सिर्फ मास्टर स्ट्रोक मारने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगर नीतीश कुमार मास्टर स्ट्रोक मारते हैं तो बर्दाश्त कर पाएंगे? ये कोई साधारण बात नहीं है। मोदी और अमित शाह को रिजेक्ट करने का साहस दिखाने वाले नीतीश ने बहुत बड़ी लकीर खींच दी। बिहार की कहानी सिर्फ सरकार को गिराने और सरकार को बनाने तक सीमित नहीं है, सवाल तो उससे भी बड़ा है। सवाल यह कि क्या वाकई में मोदी सरकार का कोई बड़ा मंत्री फोन करके विधायकों को करोड़ों रुपए की लालच दे रहा था? क्या वाकई में बिहार में किसी शिंदे को बीजेपी खोज रही थी ताकि जेडीयू को तोड़ा जा सके? अगर ये सच है कि जो नीतीश ने अपने विधायकों को अपनी रिकॉर्डिंग तक सुनाई, क्या ये वाकई सच है कि नीतीश ने अपने विधायकों को वो रिकॉर्डिंग सुनाई जिसमें सवाल ये था कि नीतीश की सरकार को गिराने की साजिश की जा रही है और नीतीश पलटी मार है? सवाल ये है कि मोदी सरकार में वो कौन मंत्री है जो विधायकों को खरीद रहा था, अगर ये सच है, जिससे गुस्साकर नीतीश ने बीजेपी को ही सरकार से बाहर कर दिया? क्या ये मंत्री दो हैं या दो से ज्यादा हैं? मंत्री कौन है, उनका नाम क्या है, इनकी जानकारी गुप्त नीतीश कुमार ने क्यों रखी है? लेकिन नीतीश कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी पार्टी को बचाने के लिए इस गठबंधन को खत्म किया जो बीजेपी के साथ था। इस वक्त बीजेपी तमाम जांच एजेंसियों से लैस है, बात को समझना होगा। राजभवन उसके इशारे पर काम करता है, इस तरह के आरोप लगते हैं। ऐसे में आप माने ना माने, हकीकत यह है कि विधायकों को कोई बेड़ाबंदी नहीं की गई। बिहार में विधायकों को किसी रिजॉर्ट में नहीं ठहराया गया। पानी की तरह पैसा बहाकर चोरों की तरह रात के अंधेरे में प्राइवेट जेट से जाकर विधायकों को कहीं नहीं छुपाया गया, कोई साजिश नहीं रची गई। क्या नीतीश ने यूं ही सबके सामने पूरी ईमानदारी दिखाते हुए दिन के उजाले में एनडीए को नहीं छोड़ा? एक 43 सीटों वाली पार्टी के मुखिया ने 44 सीटों वाली देश की सबसे विशाल पार्टी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो क्या वाकई में आज नीतीश ने अपना कद राजनीतिक लिहाज से बड़ा कर लिया? सवाल ये नहीं उठता कि महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे देश में जो हुआ, क्या उसके सामने नीतीश का अवसरवाद बहुत छोटा नजर नहीं आता? मध्य प्रदेश याद कीजिए, मध्य प्रदेश में जनादेश कांग्रेस को मिला था, लेकिन कमलनाथ की सरकार गिर जाती है, शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बन जाते हैं। महाराष्ट्र में साफ साफ किसको जनादेश मिला था आप भी जानते हैं, सरकार उद्धव की बनी लेकिन शिवसेना को ही तोड़ दिया जाता है। पिछले चुनाव में गोवा में बीजेपी को जनादेश नहीं मिला था, लेकिन किस तरह से सरकार को तोड़ा गया, कांग्रेस को तोड़ा गया, सरकार बना ली गई। ऐसे कई उदाहरण हैं। उत्तराखंड, जहां पर कांग्रेस के एक साथ विधायकों का टूटना राष्ट्रभक्ति का प्रमाण तो नहीं हो सकता। गोदी मीडिया वैसे नीतीश कुमार को आज पलटू कुमार का नाम दे रही है, वैसे ही जैसे गोदी मीडिया ने कल तक आरजेडी को छोड़ने पर इसी नीतीश कुमार को मास्टर स्ट्रोक मारने वाला महान खिलाड़ी बताया था। खैर, महाराष्ट्र में बीजेपी के पास 105 विधायक हैं, लेकिन उसने 46 विधायकों वाले शिंदे गुट को अपना नेता मान लिया बीजेपी ने, जिसे अभी तक पार्टी की मान्यता नहीं मिली, यानी कि शिवसेना को, और बीजेपी शिंदे के नेतृत्व में शामिल हो गई सरकार बनाने के लिए। ईडी, सीबीआई और आईटी का डर उन दलबदलू नेताओं को सता रहा था जिनके घर पर ईडी का छापा लगने की आशंका, और वो इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि क्या इसी डर से अपने दल को छोड़कर वो बीजेपी की सरकारों में मंत्री बन गए? वो कौन मंत्री हैं जो विधायकों को करोड़ों रुपए दे रहे थे? सवाल एक बार फिर से वहीं खड़ा हो जाता है जो इल्जाम नीतीश कुमार अपने विधायकों के साथ बैठक में मोदी सरकार पर लगा रहे थे, क्योंकि इसी सवाल के जवाब से पता चलेगा कि महाराष्ट्र में सरकार गिराने का जवाब भी मिल जाएगा
झारखंड में हेमंत सरकार को गिराने का जवाब भी इसी सवाल के जवाब में होगा, इसलिए ये सवाल तमाम सवालों के जवाब बन जाते हैं। आरोप तो बीजेपी पर यह भी लगता रहा कि उसने चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ डाला, जिस चिराग पासवान ने कभी खुद को देश के प्रधानमंत्री का हनुमान तक बोला था, उसी पार्टी को तोड़ दिया जाता है और उसी पार्टी के यानी कि पशुपति पारस जो कि चिराग पासवान के चाचा है वो मोदी सरकार में मंत्री बन जाते हैं। मगर सच तो यह भी है कि मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ नीतीश कुमार ने एक बड़ा दाव भी चला और वो था जातिगत जनगणना का दाव। जातिगत जनगणना फैसला लेते और तेजस्वी को साथ लाकर नीतीश कुमार ने इस फैसले से खड़ा कर दिया और मोदी सरकार को चित कर दिया। तेजस्वी के राजनीतिक कौशल की भी तारीफ करनी होगी कि उन्होंने भी अपने चाचा को आज एक बार फिर से बीजेपी से छीन लिया, यानी नीतीश कुमार को। हकीकत यह है कि सरकार 3 दिनों में नहीं बनी है, कम से कम ऐसी सरकार बनने में 1 से 2 महीने का वक्त लगता है। राजनीतिक समझ रखने वाले तो यही कहते हैं, बीजेपी को धक्का तो लगा होगा पर वो उभर जाएगी। इससे बड़ा धक्का लगा था तब जब नीतीश और लालू ने सरकार बनाई। राजनीति में टूटना और जुड़ना कोई नई बात नहीं, ज्यादातर गठबंधन सत्ता पाने के लिए ही बनते हैं, ये भी बना। लेकिन ये तो नीतीश कुमार खुद मुख्यमंत्री थे और इस बार भी है, कम सीटें होने के बावजूद बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर क्यों बिठाया, ये बात वो खुद स्वीकार कर चुकी है। फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने यानी कि नीतीश कुमार ने एनडीए से अलग होने का फैसला कर लिया, ये एक गहरा राज है। ये राज नीतीश कुमार ही खोल सकते हैं, उन्हें जनता जिसे वो मालिक कहते हैं उन्हें पूरे विस्तार से बताना चाहिए कि अगर वो सचमुच जनता को मालिक मानते हैं तो सच क्या है। नेता ये सच है कि नीतीश कुमार एक स्वच्छ छवि के नेता हैं, तो ऐसे में फैसला भी उनको करना है क्योंकि उनके द्वार पर भी यानी कि उनके विधायकों के द्वार पर भी क्या वाकई में ईडी आईटी और सीबीआई आने वाली है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।